नए मंत्रियों को पीएम मोदी की सलाह, मीडिया में बेवजह न बोलें, आपका काम चमकना चाहिए आप नहीं। महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी, राहुल ने पीएम पर कसा तंज। मोदी मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद जेडीयू में बड़ा परिवर्तन, संजय सिंह को मुख्य प्रवक्ता पद से हटाया गया। कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर चिंतित पीएम मोदी, लगातार ले रहे हेल्थ अपडेट। प्रदेश में कमजोर पड़ा मानसून, फिर होगा सक्रिय, अगले दो दिन में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना। स्वागत है आपका डीवी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जिला पंचायत राज अधिकारी बाल गोविंद श्रीवास्तव ने नवादा ब्लॉक के ग्राम विकास अधिकारी शशांक शुक्ला को निलंबित कर दिया है। ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी अपने अधिकारियों की बात न सुनने और वैक्सीनेशन में सहयोग न करने पर एडीओ पंचायत की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि जिले में किसी भी ब्लॉक के कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेनली उनका था लापरवाही है कि जो आपके अथॉरिटीज ने आपको जो आदेश दिया है कार्य करने के लिए, और मेनली इसमें जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह का पेमेंट करना है, कम्युनिटी जो टॉयलेट है जो सब ग्राम पंचायत में बनना है उसमें पेमेंट वो कर नहीं रहे थे, और उसके बाद जब हम फ़ोन कर रहे हैं एडीओ पंचायत के थ्रू तो डायरेक्ट बोल रहे हैं हम आने वाले नहीं हैं, जो सर को करना है वो करें। ये मेरे सामने बोला गया क्योंकि जो निवादा के एडीओ पंचायत थे वो वापिस आए हुए थे, पहला काम ये था। ये पता चला एडीओ पंचायत ने मुझे बताया जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी तो वैक्सीनेशन में उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले डीडी सर, डिप्टी डायरेक्टर सर, वो भी आए थे तो उनका भी वहाँ भी उनका कोई प्रोग्रेस नहीं था। कुल मिला के अब देखा जाए तो इस तरह के कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, जो हाँ, सरकार की योजना है, गाइडलाइन है, उनके विरुद्ध ये कार्य कर रहे हैं उन पर सहयोग नहीं, हाँ सहयोग नहीं करने वाले। हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं, हम उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, लेटर एंड वर्ड में हम फॉलो करेंगे। बरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमकर ड्रामा हुआ है। दरअसल बीते साल कोरोना के शुरुआती दौर में बरेली पुराना शहर के हजियापुर के वजीर अहमद को कोरोना पॉजिटिव बताकर एक प्राइवेट अस्पताल में डाल दिया गया था, जहां दवाई खाना पानी आदि की कमी के चलते वजीर अहमद की मौत हो गई। वजीर अहमद की मौत के बाद प्रशासन ने दोहरी चाल अपनाई और शव को दफना दिया। आपको बता दें वजीर के मामले में जो कुछ भी किया गया उसका जिम्मेदार प्राइवेट अस्पताल और जिला प्रशासन तो है ही, पर उससे कहीं अधिक जिम्मेदार CMO कार्यालय भी है, क्योंकि कोरोना के नाम पर अस्पतालों में जो खेल खेला जा रहा है या कोरोना की जांचों में जो खेल हो रहा है CMO कार्यालय के सब ज्ञान और सहमति से हो रहा है। दोनों से ही हूँ, लेकिन सबसे पहले एक महिला हूँ, क्योंकि बात यहाँ पे आती है एक औरत की। वो औरत सावित्री भी हो सकती है, सलमा भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और मैं भी एक औरत हूँ। तो हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं सवाल कर सकूँ। इनका सवाल आज हमारा सवाल भी है, हर उस औरत का सवाल है। आज इस सिलसिले में आप इनके साथ जो आई हैं CMO साहब के यहाँ जी, तो क्या बात हुई CMO साहब से आपकी? पहली चीज तो CMO साहब एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात कहते हैं कि आप मुझसे बात मत कीजिए, आप मेरे आंख और कान से बात कीजिए। आंख और कान कौन है? वो ये कहते हैं कि पहले हम देख लें कि मसला क्या है, और अगर कोई बात उनसे कहना चाहो तो तुरंत कहते हैं कि आप बदतमीजी कर रही हैं। तो मुझे बदतमीजी की परिभाषा बता दें कि बदतमीजी की परिभाषा क्या होती है। एक औरत जिसके शौहर का मर्डर कर दिया गया, उसका 2 साल का बच्चा, वो किस तरीके से अपना घर चला रही है, बार बार कैसे खर्चा करके यहाँ पे आ रही है, और यहाँ आने के बाद उससे सिर्फ ये कहा जाता है कि मुझसे बात मत कीजिए। तो मुझे ये बताओ इस गद्दी पे क्यों बैठे हो, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, उतर क्यों नहीं जाते? किसी ने तुम्हें क्या चिपका के रखा है, फेविकोल का जोड़ लगा हुआ है क्या? ये क्यों है जनता तुम्हारे पास? जनता तुमसे बात करने आती है, अपनी तकलीफ कहने आती है, और तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। तुम कहते हो मेरे आंख नाक कान से बात करो, और जब आंख नाक कान से बात करने जाओ तो वो कहते हैं कि तमीज से बात करो। तमीज की परिभाषा बताइए कि क्या होती है? पैर पकड़े कि भैया हमारी बात सुन लो, गलत तरीका है। क्या आश्वासन मिला किसी तरह की जांच करेंगे? कोई आश्वासन नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कह दिया फॉर्मेलिटी पे कि हम देख के बताएंगे, हमारा फला देखेगा फिर हम आपको बताएंगे। सवाल जायज है और मैं भी करूंगी। एक जाहिल आदमी भी पूछेगा कि जो आदमी 1 साल पहले मर गया, खाक हो गया, मट्टी हो गया, उसकी जांच कैसे करा ली? ये टेक्निक हमें भी तो बता दो,
हमारे भी खानदान में बहुत मर गए हैं, कई की तो जायदादों के झगड़े चल रहे हैं, कम से कम हम उनसे कुछ साइन ले लें। जब ये सैंपल एक आदमी साल भर पहले मर गया, उसकी दोबारा जांच किस टेक्निक से कर ली वो टेक्निक बता दो बस, बाकी सब बातें बाद की, वो इंटरनेशनल टेक्निक कौन सी है वो बता दीजिए। तो मैडम ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का जो पीड़ित आई ये महिला, इसको किसी तरह का न्याय देंगे सीएमओ साहब? हमें तो नहीं लगता कि जब तक बहरों के आगे शोर ना मचाओ बहरे नहीं सुनते, गुंगी बहरी सरकार है। सरकार से मुराद नहीं है, यहाँ तो अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी नहीं, वो अपने आप को खुद ही सरकार समझते हैं, जो कुर्सी पे बैठ गया वो सरकार बन गया, वो अपने आप को स्वयं मोदी बन गया। तो आपको कोई उम्मीद है कि किसी तरह का ये जवाब मिल सकता है? जो इन्होंने टाइम दिया उस टाइम तक इंतजार करेंगे, अगर नहीं जवाब मिलता तो आगे अगला कदम आप क्या उठाएंगे? एक बेबस औरत क्या उठा सकती है कदम, सिवाय रोने के छाती पीट पीट के, यहीं आके बैठ जाएंगे बच्चे लेके, और बताइए, यहीं बैठेंगे बच्चे लेके अपने। ठीक है, थैंक यू। खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम हुई है, लेकिन एक दौर था जब आगरा में कोविड 19 से संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया था। आगरा में अचानक कोरोना की दूसरी लहर आई थी, जिसमें ऑक्सीजन की बेहद कमी हुई थी। आलम ये था कि शहर में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदने के लिए लोगों को 6 से 10 हजार रुपए तक चुकाने पड़े, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता था। सरकार की आंखें खुली तो पीएम केयर फंड की तरफ से पूरे जिले में 23 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का फरमान दे दिया। वहीं 102 दिन बाद भी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन शुरू नहीं हो पाया। पीएम केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में आज अभी तक लगाया वो लगभग फाइनल स्टेज में है। अब सिर्फ उसका इतना काम बचा है कि जो प्लांट से लेकर वार्ड तक जो पाइपलाइन बिछाई जानी है वो CNDS डिपार्टमेंट जल निगम का है, वो बिछा रहा है, और लगभग इसमें 4 से 5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, और इस हफ्ते के अंदर हमारा ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चलना शुरू होगा। क्या क्षमता है इसकी, क्योंकि सर लगातार हमने कोरोना की दूसरी लहर में बहुत सारा ऑक्सीजन क्राइसिस देखा था, तो क्या लगता है कि उस क्राइसिस से निजात मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ जो 78 बेड जो हैं वो कोविड के लिए डेडिकेटेड वार्ड बनाए गए थे, उसमें अब 40 बेड जो हमने पीकू वार्ड जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है उसको देखते हुए स्थापित किए हैं। उनमें 20 बेड में वेंटिलेटर की सुविधा है और बाकी में ऑक्सीजन की सुविधा है। तो ये 78 बेड के लिए 500 लीटर प्रति मिनट वाला जो है जनरेशन ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, और इतने बेड को ये आसानी से ऑक्सीजन प्रदान कर देगा। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन प्लांट में कभी कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास 36 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, 65 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, तो ऑक्सीजन की किसी भी लेवल पर कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। ठीक है सर, OPD को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना सामान्य हुआ है, केसेस अब ना के बराबर आ रहे हैं, तो सामान्य OPD में सर किस तरह के मरीज आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था दोबारा से शुरू सुचारू रूप से की गई? काफ़ी लंबे समय से कोविड की वजह से वो पेशेंट का आना बंद था, और जो एसएन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर OPD सेवाएँ नहीं हो रही हैं, तो जिला अस्पताल में OPD सेवाओं पर थोड़ा ज़्यादा दबाव है। इस समय जो शासन के आदेश थे कि सर्जिकल OPD शुरू कर दी जाए, ताकि जो जरूरी लोग हैं उनको ऑपरेशन की सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु ये सारी जो सुविधाएँ हम दे रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान में रखते हुए हैं। जिन लोगों को भर्ती या ऑपरेशन के लिए भर्ती किया जाता है उनकी RT-PCR जाँच, TrueNet जाँच की जाती है, और हमने यहाँ पे 20 होमगार्ड शासन से जिलाधिकारी ने हमें उपलब्ध करा रखे हैं, ताकि वो पेशेंट का सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं। और आजकल OPD में देखा जाए तो गर्मी को देखते हुए चर्म रोग के काफ़ी केसेज आ रहे हैं, खाज खुजली के, और आँखों के मोतियाबिंद के भी काफ़ी केस आ रहे हैं, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज के भी केसेज आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आगरा में वैक्सीन की किल्लत थी कुछ दिनों पहले, जिला अस्पताल में सर क्या अपडेट है? नहीं, जिला अस्पताल में वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक्चुअल में क्या है, जो 45 प्लस से ऊपर के लोग हैं उनमें जो सेकंड डोज वाला है उसकी संख्या थोड़ा बढ़ रही है, तो CMO साहब से हमने यहाँ रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है, तो वो समस्या दूर हो गई है, सबको आसानी से वैक्सीनेशन लग रहा है।
इटावा के भरतना में गृह कलह से तंग दो बच्चों का पिता स्वास्थ्य कर्मी फांसी के फंदे पर लटका मिला है। मृतक भरतना नगर के मोहल्ला महावीर नगर का मूल निवासी था। मृतक जनपद औरैया के ब्लॉक अछलदा सरकारी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात था। मृतक स्वास्थ्य कर्मी रोज की तरह अपने घर की दूसरी मंजिल पर सोया हुआ था। रात्रि करीब 1 बजे स्वास्थ्य कर्मी ने घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। घटना की सूचना भरतना पुलिस को दे दी गई। मृतक एक पुत्र एक पुत्री समेत 2 बच्चों का पिता था। पिता द्वारा फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना भरतना कोतवाली कस्बा के मोहल्ला महावीर नगर माँ अम्बे पब्लिक स्कूल के निकट की है। खबर है यूपी के बदायूं से। बदायूं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर में तैनात फार्मासिस्ट के सरकारी आवास में हुई लाखों की चोरी के मामले में 20 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली पर अभी तक इस मामले में खुलासा करने में नाकाम है। पीड़ित फार्मासिस्ट रोज पुलिस के चक्कर लगा रहा है। जिले के वजीरगंज क्षेत्र के सैदपुर कस्बे के सरकारी अस्पताल में ब्रजेश सिंह फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है। वो अस्पताल के कैंप आवास में ही रहते हैं। 18 जून को सुबह फार्मासिस्ट ब्रजेश सिंह अपने आवास से ड्यूटी पर गए थे। इसी दौरान मौका पाकर बदमाश उनके आवास में घुस गए। बदमाशों ने उनके घर बक्से का ताला तोड़कर बक्से में रखे जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। अब देखना होगा बदायूं के कप्तान संकल्प शर्मा अपने अधिकारियों को चोरी का खुलासा करने के लिए क्या निर्देश देते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर में चोरी की घटना हुई है मेरे सरकारी आवास में। मैं यहां पर फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूं और घटना 18 तारीख की है, जिसका दिन की घटना है। दिन में कुछ लोग आए और मेरा ताला तोड़ के सामान ले गए, जबकि मैं उस समय अपनी ड्यूटी पर तैनात था। लगभग समय 1 बजे के करीब जब मैं घर पहुंचा हूं तो मैंने घर का दरवाज़ा देखा और दरवाज़ा देख के मैं दंग रह गया। दंग रहने के बाद भी मैं जब घर के अंदर प्रवेश किया तो मेरा बक्से का ताला टूटा हुआ था, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। और सारा सामान देखने के बाद मैंने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी। 112 पे कॉल करने के बाद पुलिस आई, उन्होंने वहाँ की तहकीकात की और उसके बावजूद मैं लगभग 19 दिन हो गए घटना को, इसकी FIR दर्ज कराने के 19 दिन बाद भी मैं SSP दफ्तर भी गया, जहाँ SP सिद्धार्थ वर्मा ग्रामीण वाले मिले, उनको तहरीर भी दी संगठन की तरफ से, डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन की तरफ से मैं उनको शिकायत दर्ज करके आया, लेकिन अभी तक कोई मेरी घटना का चोरी की घटना का कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरी चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो और जितना जल्दी हो सका है मुझे राहत दी जाए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ आपके वक्त। मदनपुर क्षेत्र में पंचायत प्रमुख पद के लिए नामांकन प्रक्रिया आज गुरुवार को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई है। दोपहर 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलती रही। इसी दौरान मदनपुर ब्लॉक परिसर में 2 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें पुष्पा देवी और सरला देवी हैं। दोनों ही प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज कराने के लिए पूरी दम लगाएंगे। इस दौरान SDM BDO के अलावा अन्य अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। मदनपुर विकास खंड में क्षेत्र पंचायत चुनाव हेतु 2 महिला, क्योंकि महिला सीट है तो 2 महिला अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। एक है पुष्पा देवी, ठीक है, वाइफ ऑफ नरेश चंद, और दूसरे हैं सल्ला देवी, वाइफ ऑफ श्री समर सिंह। 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने के बाद 3 बजे के बाद दोनों के नाम निर्देशन पत्रों की जांच की गई और जांच में पूर्णतः सही पाए गए हैं और इनका जो है आगे की कार्रवाई चुनाव निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार संपन्न की जाएगी। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीती रात देखने को मिला। निर्दलीय प्रत्याशी सुधा सिंह के पति पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि अपने प्रत्याशी को निर्विरोध जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
बातचीत हो रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा बीडीसी सदस्यों के झूठे अपहरण का आरोप लगाकर ईंट भट्टा पर स्थित मकान पर धावा बोल दिया गया और जमकर तांडव हुआ। पुलिस ने सदस्यों की जमकर पिटाई की, उनके सिर पर लाठी मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये सूचना मिली थी कल रात में कि कुछ सदस्यों को ईंट भट्टे के पास उदयन ईंट भट्टे पर जो है रोक कर जबरदस्ती रखा गया है। तो उसकी इसी सूचना पर पुलिस वाले गए थे वहाँ से, कुछ लोग वहाँ लगभग 8-10 की संख्या में मिले, उनको ले आ गया, उनके घर वाले को बुला करके फिर उनके सुपुर्दगी में जहाँ जो जाना चाहते थे उनको सुपुर्दगी दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर झूठे मुकदमे कायम करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बिलारी कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। डिजिटल मीडिया के पत्रकार दानवीर सिंह पर बिलारी पुलिस ने फर्जी तरीके से 376 का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर पत्रकार को जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में आज मुरादाबाद के पत्रकारों ने SSP व जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि बिलारी कोतवाली पुलिस ने दानवीर को फर्जी तरीके से 376 के मुकदमे में जेल भेज दिया है। पत्रकारों का कहना है कि मामला पूरी तरीके से फर्जी है। फिलहाल पत्रकारों को मुरादाबाद SSP ने आश्वासन दिलाया है निष्पक्ष जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पत्रकारों ने इस मामले में साजिशकर्ता पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। आजाद पत्रकार मोर्चा की तरफ से समस्त पत्रकारगण बिलारी थाने में पुलिस द्वारा एक निर्दोष पत्रकार को एक झूठे मुकदमे में एक ऐसी महिला ने आरोप लगाया था जिसका पति पहले ही सट्टे की खाईवाली करता है, उसके बावजूद भी पुलिस ने जब पत्रकार थाने पर किसी समाचार के संलग्न में गया तो वहाँ मौजूद पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उनसे ये कहा कि आपके खिलाफ 376 का मुकदमा कायम है। तो पत्रकार को कुछ नहीं पता था। उस समय भी पत्रकार ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो थाना पुलिस थी उस समय कोई भी बात नहीं सुनी और पत्रकार को जो हमारे पत्रकार साथी दानवीर सिंह थे उन्हें लॉकअप में बंद करा, जल्दबाजी में उन्हें जेल भेज दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि जिस महिला ने उन पर ये आरोप लगाया है उस महिला का उस समय जब तक गिरफ्तारी करी है दिखाई है पुलिस ने तब तक ना मेडिकल हुआ था ना 161 के बयान हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है और वो गिरफ्तारी पूरी सरासर अन्याय है पत्रकार के ऊपर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक किसी पत्रकार पर अगर कोई भी आरोप लगता है उसकी निष्पक्षता से जाँच ना हो तब तक उसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस ने इसमें इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि जैसे वो पत्रकार ना होके कोई लुटेरा बदमाश चोर उचक्का हो और उन्हें उठाया और जेल भेज दिया गया। ये गिरफ्तारी कहाँ से की गई? गिरफ्तारी उस समय की गई है जिस समय दानवीर सिंह स्वयं खुद अपने आप अपने एक सहयोगी के साथ खुद थाने बिलारी में किसी समाचार के सिलसिले में थाना प्रभारी से मिलने के लिए गए। सर क्या उस महिला के साथ कोई पहले से ही कोई विवाद वगैरह चल रहा था दानवीर सिंह? हाँ, जैसा मामला हमारे संज्ञान में है उस महिला के पति से भी पहले उनके जो भाई है चचेरा उनका विवाद हुआ था। पुलिस ने उस समय दोनों पार्टी तरफ से 107-16 दर्ज करके लगभग 2 महीने पहले कर रखी थी और उस पर उन्होंने वो मुचरके पे थे। इसी बात को लेकर रंजिश चली आ रही थी। इस बीच जो दानवीर पत्रकार हैं उनके भाई ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़े थे, वो भी एक इसमें रंजिश हो सकती है। और पुलिस की जो वहाँ कार्रवाई है वो एक तरफा है बिल्कुल और निराधार है। इसीलिए हम आज DM साहब से मिले हैं मुरादाबाद, SSP महोदय से मुरादाबाद से मिले हैं, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और अगर पत्रकार निर्दोष है तो निश्चित तौर पर यह मुकदमा वापस होगा। सर अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाता तो क्या कदम उठाएंगे आप? अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाता किसी भी सूरत से तो आज़ाद पत्रकार मोर्चा इस संबंध में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, प्रेस काउंसिल लखनऊ में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। अगर फिर भी पत्रकारों को न्याय नहीं मिलता है तो फिर पत्रकार धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन या शासन की होगी। कानपुर के विधून में स्थित कोरोना बहादुर नगर में कल रात गांव के बाहर खेत में युवक की फावड़े से गर्दन काट कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के बाद शव को पास के एक ट्यूबवेल के बोर के गड्ढे में फेंक दिया। रात से गायब बेटे को पिता स्वजन के साथ पूरी रात खोजबीन करते रहे। सुबह खेत की ओर गए ग्रामीणों ने शव को देखा, गाँव में सूचना दी। फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड संग पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जता रही है। यही हुई है कि 8 बजे शाम से गायब हो गया था लड़का, घर से गया था घर में और घर से कहने लगा
मसाला खाने जा रहे हैं और फिर लौट के आया नहीं। 11-12 बजे तक हम फ़ोन करते रहे, फ़ोन जाता रहा पर उठे उठा नहीं फ़ोन। इसके बाद स्विच ऑफ हो गया 12-1 बजे। लड़के के पास फ़ोन था दादा? हाँ जी। नंबर पता है फ़ोन का? क्या नंबर? फ़ोन का नंबर जी हमको नहीं मालूम है, पर फ़ोन का नंबर होगा। आपको कैसे जानकारी हुई? आपको कैसे जानकारी हुई कि मर्डर हुआ है? सवेरे हम ढूंढने गए इधर नहर की तरफ, तो आदमी यहाँ से गए होंगे लेटिन करके, तो ये लोगों ने बताया कि वहाँ पर पहले लहर, तब हमको बताया, तब हम जब गए। आपको किसी पर शक है? जी हम पर शक तो गांव में तो नहीं है, पर ऐसा है कि गढ़ेवा ये आता जाता था, गांव बगल में गढ़ेवा गांव है। किसके यहाँ? वहाँ आता जाता रामराज के यहाँ आता जाता था। गढ़ेवा गांव में रामदास के यहाँ आता जाता? रामराज के यहाँ आता जाता था। तो हम उनके लड़कियाँ भी दो हैं और वहाँ दारू वारू भी पीता था, वो लोग पिलाते भी थे, ये भी पीता था। तो यही शक है कि हो सकता है ऐसा हो। लड़के का क्या नाम था? सचिन प्रकाश यादव। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री शबाना खंडेलवाल ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि जिला जेल प्रशासन ने साजिशन मेरे पति की हत्या की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कुछ सवाल भी जिला प्रशासन के सामने रखे हैं, जिसके जवाब मांग रही हैं, जिसका जिला जेल प्रशासन ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। मामला जिला जेल से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों सजा याफ्ता रवि खंडेलवाल की तबीयत खराब हुई थी। उन्हें काफी समय से बुखार आ रहा था, जिसको लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र भी लिखा था। ये पत्र 12 तारीख को लिखा गया था। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी पत्नी को बताया था कि उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। शबनम खंडेलवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें लगातार बुखार आ रहा था, तो उन्हें कोरोना की वैक्सीन क्यों लगाई गई? इसका मतलब साफ है कि उनकी साजिशन हत्या की गई है। इस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए रखी है कि मुझे न्याय चाहिए। कुछ सवाल है मेरे जेल प्रशासन से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जेल प्रशासन द्वारा साजिशन मेरे पति की हत्या की गई है। उनको मेरे पास 12 अप्रैल को उनका लेटर मेरे पास है, जो मैंने इसमें पेपर में संकलन किया है। उसको बुखार आ रहा था, उसमें लिखा है कि लगातार मुझे बुखार आ रहा है, दवाई का असर रहता है, बुखार उतर जाता है। जब उनको बुखार आ रहा था तो 16 तारीख को उनको कोविड वैक्सीन क्यों लगाई गई, ये जेल प्रशासन जानता है। दवाई दी जा रही थी, फिर क्यों लगाई? उसके बाद वो कोरोना, उन्हें फिर भी बुखार आया, कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? 26 तारीख को मेरी लास्ट सुपरिटेंडेंट साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो मैम बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन, उन्हें कुछ नहीं हुआ। जबकि मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में मुझे बताया कि 26 तारीख की मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से कहा कि मेरी बात कराइए, अगर वो ठीक है तो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करा। तो शाम को उनका फ़ोन आया, बेहद खांस रहे थे। मैंने उनसे पूछा, तब हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे स्ट्रेचर पर डालकर लेकर आए थे PCO तक बात कराने के लिए, और कहा कि अपनी वाइफ को बोलो, सिपाहियों ने, कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि 27 अप्रैल को मनोज सिपाही है उनका, मेरे पास व्हाट्सअप कॉल आया कि मैम उनको SN लेके जा रहे हैं और आप वहाँ पहुँच जाओ। तो मैंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक थी तो क्यों लेके जा रहे हैं? कि रूटीन चेकअप के लिए। मैं दौड़ती हुई SN हॉस्पिटल पहुँची तो देखा कि उनकी हालत बेहद गंभीर थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था। जेल के अधिकारियों ने बिना देखे, बिना उन्हें छुए, उनको सीधे लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया। एक सिपाही अंदर जाके मिला, बाद में उसने आके बोला कि लखनऊ रेफ़र कर दिया है। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि हमें यहाँ पर कहीं प्राइवेट में दिखाने दीजिए और किसी हॉस्पिटल में। बोले नहीं, हमारे पास इसकी कोई परमिशन नहीं है, आपको सामान लेना है तो आप ले आइए। फिर मैं घर से सामान लेके पहुँची, फर्स्ट टोल पे ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया था एक छोटा, वो ख़त्म हो गया। आप बताइए, जो इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पा रहा है, आपने उनको मरने के लिए भेज दिया 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए। उसके बाद जब फिर मैंने हंगामा किया, कई पत्रकार बंधुओं को फ़ोन किया हेल्प के लिए, उन्होंने सुपरिटेंडेंट को किया, तब 2 सिलेंडर वहाँ पर छोटे भेजे गए। लखनऊ पहुँचने पर हम रात के 8:30 बजे पहुँचे, कोई व्यवस्था नहीं थी कि हमें कहाँ एडमिट कराना है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने संबंधों के आधार पर रात को 10-11 बजे मैं ट्रॉमा सेंटर में उनको एडमिट करा पाई। दूसरे दिन हमें किंग जॉर्ज मेडिकल में बेड मिला, रेड जोन में हम रहे वहाँ पर 20 दिन।
14 तारीख को उन्होंने अंतिम सांस लिए। उनकी हालत, डॉक्टरों ने तभी मुझे कहा कि आपने इन्फेक्शन इतना बढ़ा दिया कि अब उनका बहुत मुश्किल है। तो मेरा सवाल जेल प्रशासन से यह है कि उन्होंने किसके इशारे पे क्यों किया ये लगातार। इस बीच में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी बताया कि जेल में उन्हें परेशान किया जा रहा था कई सिपाहियों द्वारा, और वो लेते थे नाम कि हमें हमारे ऊपर से आदेश है। तो क्यों ये उनके साथ किया गया, क्यों उनकी हत्या की गई, मुझे इसका जवाब चाहिए। एसपी सिंह बघेल जी न्याय मंत्री बने हैं, हमारे आगरा का गौरव है और मुझे खुशी है। और जिस दिन वो आएंगे, मैं आप सबके सामने कह रही हूँ, पहले दिन मैं उनके पास न्याय मांगने पहुँचूंगी इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ। मैंने उसकी कंप्लेंट भी की है, सारी जगह रजिस्ट्री भी की है, मेल किया है प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, यहाँ के जिला अधिकारी को, WHO को, NRC को, सॉरी DIG जेल को, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी को, NHRC को, IMR को, स्वास्थ्य मंत्री को और अनुसचिव को, ये सबको मैंने रजिस्ट्री भी की और मेल भी किया है। 2 महीने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जेल द्वारा हमें दिया गया है। क्यों क्यों किया गया और किसके इशारे पे ये सब हुआ है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।